वन विभाग के पास हरेला पर्व के लिए प्लांट्स लेने देखते हैं आए हैं। यहाँ पे पुलिस लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये देखे, आपने कभी देखी है कंडाली गाड़ी के अंदर जमी हुई? देखिए ये देखिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ संगीता पवार और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जा रहे हम वन विभाग में पौधे लेने हरेला पर्व के लिए। कौन कौन से प्लांट नहीं होते, देखिए एक ये प्लांट है और इसके अंदर लगी है ये वाली जड़, और ये बहुत बड़ा होता है। तेड़ू नहीं है ये, इसका नाम भूल रही हूँ मैं, है गेंठी भी नहीं है ये। ये आता है पूजा पाठ में काम। शॉर्टकट चले फ्रेंड्स, अगर आपको पता है इसका नाम तो बताना मुझे। अगस्त मुनि का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो है केदार घाटी, और उस तरफ बहुत सारे बादल लगे हुए हैं, और ये है अगस्त मुनि मार्केट। तो हम जा रहे हैं वन विभाग की तरफ। तो जाते जाते हमको रास्ते मिली है बेल, इस बेल पे लगे हैं ये दाने, और इन दानों को बॉडी पे लगने में बहुत तेज़ खुजली होती है झंझनाहट के साथ। और साथ में मिले हैं हमको और भी प्लांट, और ये है सिक्काकाई। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये सिक्काकाई है कुछ और है, और इस पे लगी हैं कुछ फलियाँ भी। एक बार सर्च करने पे देखा था कि ये तो सिक्काकाई है। अगर आप लोगों को पता है कि ये प्लांट कौन सा है तो आप हमको भी बताएं प्लीज़। वन विभाग के पास हरेला पर्व के लिए प्लांट्स लेने देखते हैं वो हमको कितने प्लांट्स देते हैं। सुनने में तो ये आया है कि पौधे रखे नहीं गए हैं, मिलेंगे भी नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है ना, है ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। देखिए गुलमोहर कितना सुंदर लग रहा है, प्लांट्स सुना रहे थे। ये है वन विभाग के कॉलोनीज। देखे आज हम आए हैं इधर, एक हम आए हैं प्लांट्स लेने, और ये देखे इतने सारे प्लांट्स हैं, बट जो हमको चाहिए वो मिल नहीं रहा है। दालचीनी का पौधा, और ये बांस, ये बोतल है, हाँ ये बोतल, हाँ। तो और उधर वाला शीशम है, उधर कंदी लग गया क्या है। तो यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है डिप्टी रेंजर सर से, तो हमको बहुत सारे प्लांट्स दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में हमको लगाने छोटे छोटे प्लांट तो वो अभी हमको ढंग से मिले नहीं हैं। तो एक तो ही प्लांट्स ले जाएंगे हम यहाँ। ये तो खूब हो रखा है भाई आपका, खाने के लिए क्या बोलते हैं इस पे, रेजिडेंशियल है ना, गुलमोहर बहुत अच्छा हो रखा है। ये गुलमोहर के कलर कैसे पता चलता है कि येलो वाला होगा कि पर्पल वाला होगा? सब पर्पल ही साथ में येलो कहां है, रेड भी होता है ना, लाल होता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, और एक होता है हल्का पर्पल कलर का, इधर पर्पल ही होता है, ये पर्पल है, ये मैंने यहाँ रेड वाला नहीं देखा। येलो वाला जो होता है गुलमोहर होता है। ये वहाँ से इतने सारे प्लांट्स, ये है दालचीनी का, और इसका नाम पता नहीं है, दो मोरपंखी हैं और दालचीनी और मोरपंखी। और कल हरेला का पर्व है, तो आप भी हरेले के पर्व के में पौधे लगाइएगा, और कमेंट्स कीजिए कि आपने कौन कौन से पौधे लगाए। हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपने कौन कौन से पौधे लगाए। ये लगाए तो ये है नेक्स्ट डे, यानी कि 16 जुलाई को। तो आज हम स्कूल में मना रहे हैं हरेला पर्व, तो कुछ प्लांट्स मैं लेके आई हूँ और एक दो प्लांट्स बच्चे भी लेके आए हैं। तो हमने मनाया है स्कूल में हरेला पर्व, और सेलिब्रेट किया है और इन्जॉय भी किया है। पर्व मनाया, तो हरेला पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी खुशी में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हरेला पर्व, हम खा रहे हैं आइसक्रीम और हमने लगाए पौधे। आप सभी को हरा लगाए, धरती को हरा लगाए।
वाह गुड।